दिस इज राज, मैं आ गया हूँ लेकर के आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो रिज्यूम या सीवी जो है वो कैसे बना सकते हो यार गाइस, बिकॉज सबसे ज़्यादा जरूरत होती है किसी भी जॉब के लिए। तो आपको सबसे पहले आपका एक रिज्यूम होना चाहिए, कहीं भी आप प्राइवेट या कहीं पर भी आप जब भी इसको लेकर के जाते हो, तो कहीं भी जॉब के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको वही बोलते हैं कि तेरा रिज्यूम सेंड कर देना, मैं बात कर लूँगा। सो आपके पास सबसे पहले रिज्यूम होना चाहिए, एकदम बेस्ट एंड बेस्ट रिज्यूम होना चाहिए, तभी जाकर के जो है आप उस जॉब के लिए सक्सेस हो सकते हो। सो आज मैं बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल से 4 से 5 मिनट लगेगी, इस वीडियो को पूरा देख लेना, इसमें आपको रिज्यूम बनाना जो है मैं बता दूंगा यार गाइस, ठीक है। यह वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आपको फटाफट से सेलेक्ट फोटो कर देनी है, एक फोटो डाल देनी है, फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, सो आपको यहाँ पर फटाफट से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर जो है वो डाल देनी है गाइस, ठीक है। फिर यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, इंडियन, एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है वो फटाफट यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको जो है वो डाल देनी है गाइस, नीचे आपको मोबाइल नंबर और ये सब की सब ऐसे इधर यहाँ पर आपको कैपिटल में जो भी आपका नाम यहाँ पे डाल देना है, जो भी नाम आपका है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी नाम आपका आता है वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है, यहाँ पर वो कर देना जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ स्टडी डाल देना, और जो भी डाल रहे हो प्रोफेशन में यहाँ पर आपको डाल देना फटाफट से, जो भी आपने जिस चीज़ का भी आपको एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर डाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, जिस चीज़ का भी आपको है, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, और अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर इसको जो है आप ऐड भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो इस तरह से जो है आप यहाँ पर फटाफट से डाल देना अकाउंटिंग वगैरह, इसको फिर जैसे आप लिखोगे फिर यहाँ पर आप जो है कुछ और भी, जैसे जैसे आपको जो डिग्री, जैसे जो जो आपने डिग्री करी हुई है यहाँ पर, जैसे आप ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएट डाल देना है, जो जिस भी स्कूल से पास करी है वो यहाँ पर स्कूल का नाम डाल देना, ठीक है। तो इस तरह से फटाफट मैं इसको फिल करके आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। सो यार गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो अपनी डिटेल्स वगैरह डाल दी है, इतनी डिटेल्स मैंने डाल दी, आपको जो ऐड करके जो भी डालना है वो सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रखा है सिलेक्शंस का, इसके ऊपर क्लिक कर देना, इसके बाद में जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स के अंदर मुझे अभी ऐड करना है, जैसे मेरी वेबसाइट को ऐड करना है, मुझे फेसबुक को ऐड करना है, मुझे ट्विटर को ऐड करना है, मुझे इंस्टाग्राम को ऐड करना है, ठीक है। सो ये सब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, जैसे स्किल्स वगैरह ये सब भी आप जो इसमें ऐड कर सकते हो चाहो तो। सो यहाँ पर जैसे कि मैं मेन स्किल्स को एक बार ऐड कर देता हूँ यार, ठीक है, और उसके अलावा देख सकते हैं और क्या है यहाँ पर, इनको बाद में अपन हटा देंगे अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। सो इनको और देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैं फटाफट से जो है अब इनको ऐड यहाँ पर कर देता हूँ, इनको जो भी मैंने अभी अभी यहाँ पर ये डाला है इनको मैं फटाफट से यहाँ पर डाल देता हूँ, पे मैंने जो है सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं हॉबी के अंदर डाल देता हूँ जो भी आपकी हॉबी है। सो जैसे कि अभी मैं ये जो रिज्यूम है एक तरह से सोशल मीडिया मैनेजर के लिए बना रहा हूँ, सो मैं इसके अंदर जो अपनी हॉबी उसी टाइप की डालूंगा, जैसे कि यूज़ सोशल मीडिया, और यहाँ पर एक के अंदर मैं डाल देता हूँ हॉबी के अंदर डाल देता हूँ मैं मैक वीडियोज़ इन यूट्यूब। सो इस तरह से मैंने डाल दिया, इसके अलावा आप अगर कुछ और ऐड करना चाहो तो वो डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप जो इसको हटा भी सकते हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे इसको अपन ने यहाँ से ऐड करा था तो यहाँ से हट जाएगा, ये हट गया। अब यहाँ पे जो है टेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पे लिख देते हो अदर सोशल मीडिया, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो अभी। सो अभी यहाँ पर मैं 2-3 अपने पॉइंट डाल देता हूँ, जैसे कि एफ बी, तो मेरे जो भी FB पे फॉलोअर्स है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 110K प्लस फॉलोअर्स, ठीक है। उसके अलावा और भी यहाँ पर आप जो ऐड कर लेना, इससे यहाँ से ऐड हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब इंस्टा पे 115K प्लस फॉलोअर्स, इंस्टा FB, यूट्यूब पर भी अपने 7K फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स है। तो अब ये हमारा रिज्यूम जो एक तरह से बनके लगभग लगभग तैयार हो गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो आप A4 पे इसको क्लिक करके यहाँ से ये प्रीव्यूज के ऊपर आप क्लिक कर देना। सो अब देख सकते हो यहाँ पे जो खुल के आएगा, जब आपको रिज्यूम रेडी हो जाएगा तो वो इस तरह से पेपर के ऊपर दिखाई देगा, लोडिंग हो रहा है, एक सेकेंड। सो देख सकते हो आपके पेपर के ऊपर ये जो आपका रिज्यूम कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। अब आप यहाँ पे जो डाउनलोड भी इसको यहाँ से कर सकते हो, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना आपको, और इसको फ्री जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सो आपको फ्री के ऊपर क्लिक कर देना था, फ्री के ऊपर क्लिक करते ही देख सकते हो आप यहाँ पे रिज्यूम आपका बन के रेडी हो चुका है PDF के फॉर्मेट में। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से प्रिंट भी निकलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको करना है वो यहाँ से आप इसको कर भी सकते हो, और फिर अपना कहीं पे भी जो इसको सबमिट कर सकते हो गाइस। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।